एसएसपी की अध्यक्षता में सभी थानों की चौकी प्रभारियों की बैठक पुलिस लाइन स्थित में संपन्न हुई। बैठक में एसएसपी ने कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त व स्वतंत्रता दिवस को सकुशल संपन्न कराने के लिए सभी चौकी प्रभारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। एसएसपी ने कहा कि जनता से उचित व्यवहार करते हुए उनकी समस्याओं को सुने व निराकरण करें तथा अधिक से अधिक फुट पेट्रोलिंग भी करें और अपने क्षेत्र में सीसीटीवी कैमरे भी लगवाने का प्रयास करें। इस संबंध में गौरवपुनी से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता ने कहा, उनको तो हुआ है घर खराब में, उनकी लिखा पड़ी कर रहा जी सर। ठीक है वाला एक इस दिन बाद ही कर रही होगी। उसकी वजह यही है कि ये जो आपको कागज दिया है वैसे थानेदारों का है, इसमें कुछ एक चीजें थानेदारों की है वो आप समझ लिया होंगे। जैसे जिम्मेदारी ट्रायल पर जाने वाले गंभीर अपराधी, इन मैक्सिमम बाकी चीजें आपको भी पता होनी चाहिए। सत्यनिष्ठा के बारे में किसी को संदेह नहीं होना चाहिए। 15 अगस्त, बकरीद, रक्षाबंधन और कश्मीर के हालात के बारे में आपको पता है। वृक्षारोपण जितना ज्यादा से ज्यादा कर सकता है पर्यावरण को अपना योगदान दे। आगे लिखा है सपा, चूंकि कल की मीटिंग थी, सपा का धरना हो चुका है, 15 अगस्त है अभी। केस डायरियां अब सीसीटीवी में ही चलेंगी, आपको स्टेशनरी मिलना बंद कर दिया जा रहा है। डायल 100 जो आपके इलाके में चलती है उस पर नियंत्रण रखें, क्योंकि वो आपकी इमेज बनाती है। अगर उसका सिपाही ढंग से टोपी नहीं पहन रहा है, वो ढंग से नहीं चल रहा है, दारू पी है शाम को, यू आर ऑल्सो लाइबल, क्योंकि वो आपके एरिया में चल रहा है ना, आपके एरिया में चल रही है, वो आपका हिस्सा है। जनता को नहीं पता कि उनका कमांड कंट्रोल सिस्टम कहाँ से है। प्रभारी आए होंगे यहाँ पे, एनडीए भी प्रभारी है, ये सब आपको पता होना चाहिए। अपराधी गया, उसने देखा सीसीटीवी कैमरा हो चाहे ना हो, बोर्ड लगा था तो उतने में ही आधा डर जाता है आदमी। आपकी पेट्रोलिंग क्यों रखी जाती है? बड़े बड़े चोर चक्को से पूछे तो कहेंगे ना हम वहां गए तो वहां पेट्रोलिंग हो रही थी, इसके बाद नहीं कर पाए, जबकि ना वो उसको जानता है ना वो उसको जानता है। आपने कार्रवाई करना शुरू करूंगा, बहुत दिन हो गए आपको समझाते हुए। विमानशक नाम से जा रही है, 7 दिन विस्तारित करिए। आईटीआरएस का विस्तारण आप 10-15 दिन तक लगाते हैं। सीएम क्रिमांसल समझ लीजिए, अभी शाम को भी मीटिंग होती है, होने जा रही है, शाम को है सीएम साहब की, और सीएम साहब खुद महीने में 2 बार करते हैं सीएम क्रिमांसल की मीटिंग। और हमारी लोगों की तो मीटिंग आप जानते हैं, जब भी वो सीएम साहब आते हैं तो आते समय भी होती है, जाते समय भी होती है। ये पूरे जो जिले के पूरे चौकी अफसर जितने भी हैं उन सभी के साथ आज मीटिंग की गई और उनको अलग से दिशा निर्देश दिए गए कि केवल थानेदार ही नहीं, चौकी अफसर भी जिम्मेदार हैं और अपने अपने एरिया में शांति व्यवस्था और अपराध नियंत्रण के लिए क्या उन्होंने होमवर्क करना है उसकी मीटिंग ली गई और इनको 15 अगस्त के लिए भी एहतियात बरतने के लिए आदेश दिए गए हैं। बच्चों, महिलाओं और बुज़ुर्गों की सुरक्षा के लिए खास तौर से इनको बोला गया है कि ये तुरंत कार्रवाई करें और तुरंत मौके पर पहुँचें और इसमें कोई हिलावाली ना करें।